यूट्यूब के बाद फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो पिछले 6 महीने में स्पेसिफिकली इंडिया में सामने आया है, बहुत ज़्यादा राइज किया है। अगर हम बात करें गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग की, तो इंडिया में जितने भी बड़े लाइव स्ट्रीमर्स हैं, गेमर लाइव स्ट्रीमर्स हैं, उनकी प्रेजेंस धीरे धीरे हम लोगों को फेसबुक पर दिखने लगी है। और पिछले 3-4 महीने में तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, जितने बड़े लाइव स्ट्रीमर्स हैं वो आपको फेसबुक पर भी स्ट्रीम करते मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने फेसबुक पेज से या अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं गेम्स को। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आपको पसंद आएगा। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी जबरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और 2019 में YouTube का एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा सामने आया, जिसमें ये हम लोगों को पता लगा कि YouTube पे जो गेमर लाइव स्ट्रीमर्स हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाइक कर गई है एकदम से। बहुत सारे गेमिंग लाइव स्ट्रीमर्स जो हैं वो YouTube पे आ गए हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से। तो इस पोटेंशियल को फेसबुक ने फटाफट से एब्जॉर्ब किया और एकदम से लॉन्च किया फेसबुक गेमिंग, यानी कि हम लोग अब गेम्स जो हैं वो फेसबुक पेजेस पे या फेसबुक अकाउंट पे भी अपने लाइव कर सकते हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो फेसबुक गेमिंग है या फेसबुक जो है वो भी गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है उभर रहा है। हालांकि डिफरेंस यूट्यूब और फेसबुक में अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यूट्यूब का दूसरा एक अल्टरनेटिव जो लोग स्ट्रीमर्स जो हैं वो देखने लगे हैं फेसबुक में। तो जल्दी से देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने फेसबुक पेज पे या फेसबुक अकाउंट पे अपने लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना वेब ब्राउज़र खोलेंगे और चलेंगे अपने फेसबुक पेज पे। मैं आपको फिलहाल ब्लडी हेल गेमिंग का जो फेसबुक पेज है वहाँ से स्ट्रीम करने का प्रोसेस दिखा रहा हूँ, द सेम प्रोसेस यू विल फॉलो जो आपके फेसबुक अकाउंट में होगा। तो चलते हैं अपने फेसबुक पेज पे, मैं आपको लेके चलता हूँ ब्लडी हेल गेमिंग के पेज पे। ये ब्लडी हेल गेमिंग का पेज है। आप जो अपना अकाउंट खोलेंगे, जो फेसबुक अकाउंट का जो आपका पेज होगा, उसमें लेफ्ट साइड में देखिए पूरे ऑप्शंस आ रहे हैं, होम, पोस्ट, जॉब्स वगैरह, और इसमें नीचे एक ऑप्शन है वीडियोज़। वीडियोज़ पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज जो खुलेगा वीडियोज़ पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट में राइट में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, वीडियो इनसाइट्स, वीडियो लाइब्रेरी और मैनेज प्लेलिस्ट्स। हम लोग क्लिक करेंगे वीडियो लाइब्रेरी पर, और वीडियो लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद इसी राइट साइड पे आप देखेंगे बहुत सारे बटन हम लोगों को आ जाएंगे, और ये है व्यू इनसाइट, प्रीमियर, वॉच पार्टी, लाइव और अपलोड। तो हम लोगों को अपलोड नहीं करनी है यहाँ पे वीडियो कोई, हम लोगों को लाइव जाना है। तो हम लोग क्लिक करेंगे लाइव पे, और यहाँ से हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट कोड मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम की। बिना स्ट्रीम की के आप स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। यही स्ट्रीम की हम लोगों ने यूट्यूब से ली थी जब हम लोगों ने ट्यूटोरियल देखा था OBS का। आप लोगों में से वो लोग जो मिस कर गए हैं OBS का ट्यूटोरियल, तो मैं ऊपर आपको लिंक दे रहा हूँ, आई कार्ड पे जल्दी से आ जाएगा, तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से हम लोग फेसबुक की जो स्ट्रीम की है वो लेंगे, और ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल की होती है, ना आपको इसको किसी को शो करना है, ना किसी के साथ शेयर करना है। वो आपके फेसबुक अकाउंट से या आपने आपके फेसबुक पेज से कुछ भी स्ट्रीम कर सकता है जिसके पास भी ये की लग जाती है। तो पहले हम लोग ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है यूज़ स्ट्रीम की, हम लोग स्ट्रीम की का यूज़ करने वाले हैं। नीचे आते हैं थोड़ा सा, यूज़ ए परसिस्टेंट स्ट्रीम की। अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो हम लोगों को एक परमानेंट की मिलेगी जो कभी भी चेंज नहीं होगी, और आप इसको एक बार अपने OBS में कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए एंड इट इज़ डन। आपको सिंपल स्टार्ट स्ट्रीमिंग का बटन दबाना है, स्ट्रीम शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको ही चूज़ कर रहा हूँ, क्लिक, और यूज़ ए बैकअप स्ट्रीम। इसमें ये होगा कि जब आप अपनी स्ट्रीम कर चुकेंगे तो वो जो स्ट्रीम है वो बैकअप के तौर पे आपके फेसबुक अकाउंट पे या फेसबुक पेज पे मौजूद रहेगी। तो अगर आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, और वो पुरानी कोई स्ट्रीम आपकी देखना चाहें तो वो आपके फेसबुक पेज पे उनको मिल जाएगी। तो हम लोग इसे भी चेक कर देते हैं, ये अच्छा एक ऑप्शन है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आए अगर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वर URL और नीचे है स्ट्रीम की। तो ये स्ट्रीम की जो आपको दिखाई दे रही है, ये मतलब एक्चुअली नहीं दिखाई दे रही होगी, जस्ट बिकॉज कि मैंने इसको ब्लर कर दिया है। आप लोगों को भी ये कॉन्फिडेंशियल रखनी है। तो हम लोग यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम लोग जाएंगे अपने OBS में, और वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे जल्दी से। और हम लोग जाते हैं OBS में अपने, और OBS में आने के बाद हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप ऊपर देखेंगे स्ट्रीम, स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो YouTube और YouTube गेमिंग है इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू खोल के यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं फेसबुक। ये रहा फेसबुक लाइव, क्लिक करते हैं इसको, और फेसबुक लाइव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपको जो स्ट्रीम की है वो पेस्ट करनी है। तो पेस्ट करते हैं इसको यहाँ पर, और अप्लाई, ओके। तो
हम लोगों ने अपनी स्ट्रीम की यहाँ पे कर दी है। अभी अगर आप यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग करते हैं तो हम लोगों को फेसबुक पे, जो हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे ये लाइव शो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो आपके जो फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है, उस पर सीधे लाइव नहीं जाएगा। हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे, ये फीडबैक हम लोगों को हमें वहाँ पे फेसबुक पे अपने मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इंडिकेशन आएगा, वैसे ही इस स्ट्रीम का हम लोगों को फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पे मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है, तो मिनिमाइज़ करते हैं और खोलते हैं अपना फेसबुक पेज। और यहाँ पे आप देखिए, प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ से जो हमारे OBS से जो स्ट्रीम हो रहा है, वो स्ट्रीम यहाँ पे शो होनी शुरू हो गई है। अब हम लोग यह क्या कर सकते हैं, आप देखिए लेफ्ट में थोड़ा सा पेन ऊपर मैं स्क्रॉल करूँ जिससे आपको दिखाई दे, यहाँ पे आप अपनी वीडियो का टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग अपने YouTube स्टूडियो में करते हैं लाइव डैशबोर्ड पे। और नीचे आके आप लोग यहाँ पे किसी गेम का नाम दे सकते हैं, और गेम का नाम देने के बाद चूज इमेज से आप अपने फेसबुक, ये जो स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम है, इसका थंबनेल जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे सेटिंग्स यहाँ पे हैं, और ये सारा सेट करने के बाद नीचे ब्लू कलर का बटन आ रहा है गो लाइव, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ओके, सो ये बटन आ रहा है गो लाइव, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तब ये जो स्ट्रीम है हमारी, ये लाइव चली जाएगी हमारे फेसबुक पेज पे या हमारे फेसबुक अकाउंट पे। तो क्लिक करते हैं गो लाइव पे, और यहाँ पे हम लोगों से कह रहा है कि टाइटल और टैग्स वगैरह डाल दें तो ज़्यादा रीच बढ़ जाएगी इसकी, लेकिन फिलहाल हम लोग केवल एक टेस्ट स्ट्रीम कर रहे हैं, तो गो लाइव पे क्लिक कर देते हैं ऐसे ही, कोई गेम वगैरह हम लोग टैग नहीं कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि लेफ्ट साइड वाला जो पेन है, यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा, और ये वही इसी बात का इंडिकेटर है कि हम लोग लाइव चले गए हैं। ओके, देखिए लाइव हो गया है, और यहाँ पे हमारी जो लाइव चैट है वो आना शुरू हो जाएगी। तो ये आप हमारे पेज पे देख सकते हैं, ऊपर ही आ रहा है, लाइव हो रहा है, और यहाँ पे वीडियोज़ में भी देखिए कि लाइव का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लाइव लिखा हुआ है रेड कलर से। तो ये प्रोसेस है जिससे आप लोग लाइव जा सकते हैं अपने फेसबुक पेज पे या अपने जो फेसबुक अकाउंट है उस पे। तो भाई लोग, इतने सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग अपने फेसबुक पेज या अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी फेसबुक गेमिंग भी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको जो बेनिफिट्स हैं और जो एक्सपोजर है उसको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि फेसबुक पे एक ज़रूरी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा एक नेक्सस होता है, जो हमारे दोस्त हैं मिलने वाले और जो भी रिलेटिव्स हैं, उन तक ऑटोमेटिकली रीच पहुंच जाती है, जबकि यूट्यूब पे आप लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने पड़ते हैं या फेसबुक या इंस्टा पे टैग करना पड़ता है। तो यहाँ पे फेसबुक पे जो आप स्ट्रीम कर रहे हैं वो ऑलरेडी सभी लोगों को अलर्ट भेज देती है, जो एक बहुत बड़ा एक सोशल प्लेटफॉर्म है आपका, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, उन सभी तक ये इंडिकेशन पहुंच जाता है कि आप लाइव हो गए हैं। अगर आपको इस सेटअप को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, पूछिए हमसे, हम लोग जवाब देंगे उसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटे वाला बटन आपको ज़रूर दबाना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होता है। जब भी एक नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आप लोगों को पता लग जाता है कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।